चार घंटा है। हेलो होटल में ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन कालिस्थान बेगूसराय। हाईजैक किसको कर लिया एक तरह से, तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है। हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है, बस यही इसको डरा करके रखे हुए था। हर में जानकारी हुआ जो ये रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है, स्कूल का डायरेक्टर है, 8 बजे स्कूल आता है, 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है। आज वो घर नहीं गया, घर से इसको फोन आता था, ये फोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया, 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए, बड़ा बाबू हमको रिपोर्ट दिए 10 मिनट के बाद, जो जीडी कॉलेज के पास लोकेशन बता रहा है। तो हम लोग लड़का बच्चा को भेजे जीडी कॉलेज के पास खोजने के लिए। उसके बाद हुआ जो टाउनशिप बता रहा है, टाउनशिप गए, टाउनशिप के बाद नागदा हुआ, नागदा गए, पूरा 5 बजे से खोजना शुरू किए, अंतिम लास्ट में होटल में रिकवर हुआ। क्या बताया गया, क्या पता चला, क्या हुआ था इसके साथ? पता तो वही साइबर क्राइम वाला सिस्टम है, और कोई बच्चा था उसके अथी में आ गया, जो पुलिस वाला वर्दी दिखाया, कहा जो हम इंस्पेक्टर हैं, ऊपर से डीएसपी से बात कर लीजिए, एसपी से बात कर हम करा रहे हैं, आपको इसमें नाम आ गया है, बस ही डर गया और कोई बात नहीं। ठीक, ये सर आज ही हुआ, आज 12:15 के बाद ही घटना शुरू हुआ। 5 घंटा लोग हम लोग एक्टिव हुए, इसलिए कि 1 बजे रोज खाना खाने के लिए घर जाता था और 2 बजे फिर स्कूल ही आता। मामला ये प्रकाश में हम लोग संज्ञान में आए कि सिद्धांत निचा लाओ स्कूल हाई स्कूल के जो ऑनर है सुमन सौरभ, वो आज दोपहर से ही लापता थे, और ऐसी बातें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड किया गया है और जिसके बाद से वो लापता हो गया है। इस सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा त्वरित वो कार्रवाई की गई और उनको रॉयल हेरिटेज के होटल से उनको बरामद किया गया। कितना पूछताछ से पूछताछ के उपरांत हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि उनका अब फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्टिंग किया गया है, जो आजकल साइबर अपराध का एक नया फॉर्म है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कुरियर बताया जाता है कि इनके द्वारा फ्रॉड कुरियर आया है, उसमें गांजे हैं, MDS है, इस तरह की चीज़ें बता के, अवैध सामान बताकर उनको भयादोहन किया जाता है, और उनको लगातार मोबाइल ऑन करके उनको कहा जाता है आप अकेले में बैठिए और हम आपको ये अपने सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जो सारी चीज़ें इंपर्सोनेशन कराई जाती है, और इस तरह से उनको एक फॉर्म ऑफ अरेस्टिंग रखा जाता है रूम में। तो इसी में हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके साथ समय बरामद कर लिया गया है। आगे क्या क्या कार्रवाई पाई गई है, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इन पे एक FIR की जा रही है, जो भी नंबर है जिस नंबर से उनको कॉल आया है उसके विरुद्ध, और जिनसे इनकी बातें हो रही थी। जो अपहरण का जो अफवाह जो उड़ा था, क्या लग रहा है कि अपहरण का शिकार हुए थे क्या? नहीं, डिजिटल अपहरण, डिजिटल अरेस्टिंग हुई थी। अच्छा, आप कोई भी इस तरह का अपहरण नहीं था किसी व्यक्ति का, ठगी का मामला लगभग आया? ठगी नहीं हुई है कि कोई भी किसी का ठगी नहीं हुई है। किस स्थिति में पाए गए? ये अपने रूम में थे और मोबाइल के सामने ही कोई व्यक्ति था। किस होटल में? रॉयल हेरिटेज में। लगता है कि साइबर जो अपराधी हैं अभी भी काफी सक्रिय हैं।
इनके साथ जो घटना हुई हम लोगों ने उस पर बात की है और जो फॉर्म में था और ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम इनको तनाव में थे। हाँ हाँ।